गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये क्लास सिक्स का जो मैथ आपको पढ़ाया गया था एक्सप्रीम वालों को, वह 1A और 1B साल समाप्त हो गए थे। कोई समस्या होगी तो उससे पूछ सकते हैं, अब तक तो ऐसे किसी ने पूछा नहीं। सबसे बड़ी बात है यदि आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन तो जो आप सॉल्व करते हैं उसका जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन अब तक किसी ने पूछा नहीं। यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसको पूछिए, तभी जो है पढ़ाई कुछ मतलब निकलेगा। जैसे आप एक्सरसाइज 1C में पढ़ना है तो वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम वर्ड्स प्रॉब्लम से क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन पर दिया है द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिट ए रिलीजियस फेयर ड्यूरिंग लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर, लगातार 2 वर्षों में एक जो है धर्म का मेला लगा था वहां पर जो है व्यक्ति लोग क्या करने गए, विजिट देखने गए, घूमने गए। वाज फर्स्ट ईयर में जो आपका गए हैं वह 1,47,89,509 और सेकेंड ईयर में जो गए हैं वह आपका 1,25,76,498 रिस्पेक्टली क्रम से। तो हाउ मेनी पर्सन विजिट द फेयर ड्यूरिंग दिज 2 ईयर, 2 वर्ष के दौरान कितने लोग गए मेला को देखने के लिए, धर्म के मेला को देखने के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पहले साल के लोगों की संख्या और दूसरे साल के लोगों की संख्या और दोनों का सम कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 2 साल में कितने लोग गए आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर विजिट टू फेयर रिलीजियस फेयर, सेकेंड ईयर विजिट टू रिलीजियस फेयर और टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन 2 ईयर, 2 साल में विजिट करने के कितने लोग गए आप उसको आराम से ऐड करके निकाल लेंगे। लास्ट ईयर 3 sugar factories इज अ डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट, इतना बैग्स आप शुगर इस फैक्ट्री, मतलब 3 जो है शुगर चीनी की कंपनियां थी फैक्ट्री, मतलब चीनी मिल भी कह सकते हैं, चीनी कंपनियां भी कह सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में जिले में प्रोड्यूस उत्पादित करती है इतने बैग चीनी की और इतने बैग चीनी की और इतने बैग चीनी की। हाउ मेनी बैग्स वर प्रोड्यूस ऑल बाई ऑल 3 factories ड्यूरिंग लास्ट ईयर, तो अंतिम वर्ष में कुल कितने बैग चीनी के बनाए गए 3 कंपनियों के द्वारा, वो अभी से पहले जैसा क्वेश्चन जैसा सवाल है उसे भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला है कि अ नंबर एक्सिस्ट इतना बाय द नंबर इतना, व्हाट इज दैट नंबर कह रहा है कि अ नंबर एक्सिस्ट इतना नंबर बाय इतना, तो व्हाट इज दैट नंबर तो संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। तो इस सवाल को आप सॉल्व करने जिसे कह रहा है कि अ नंबर एक्सिस्ट, अ नंबर एक संख्या है एक्सिस्ट जो बढ़ाई जाती है, कितना दिया आपका 3,76,84,956, 3,76,84,955 इससे बढ़ाया जाता है कितना 36,15,045 इतना बढ़ा जाता है नंबर। तो व्हाट इज दैट नंबर वो संख्या क्या है, तो आप इसको आसानी से ऐड कर देंगे, जो नंबर आपको मिलेंगे वही नंबर क्या होगा आपका, इसको इसमें इतना बढ़ाने का वो नंबर प्राप्त होगा, इसको आप ऐड करके मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है देयर वेयर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, एक चुनाव में जो है 3 उम्मीदवार हैं, दे रिसीव
वोटों की संख्या दिया है, तीनों के अलावा वोटों की संख्या दिया है, वोट्स डिस्ट्रक्टिव होते हैं, इतने वोट जो है वो प्राप्त करते हैं, द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इतना, उसमें से 13,849 वोट्स जो आपके कितना हो क्या होते हैं वो आपके इनवैलिड रहते हैं, और कह रहा है कि 25,467 इफ 25,467 पर्सन डिड नॉट वोट द फाइंड द सॉरी कह रहा फाइंड हाउ मेनी वोट्स वेयर कॉस्ट, मतलब कुल टोटल कितना वोट होगा, तो तीनों का वोट प्लस इनवैलिड वोट प्लस जो आपका जो वोट नहीं देगा टोटल उस क्षेत्र में उतने वोट है, और तीनों कैंडिडेट्स का वोट पूछा जाएगा तो तीनों कैंडिडेट्स का वोट आप जोड़ देंगे ऐड कर देंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दैट ए सर्वे कंडक्ट ऑन एन इंडियन इंडियन स्टेट्स सो दैट इतना पीपुल्स हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन, मतलब कहने का मतलब इसका यह है कि 1,62,60,23,546 पीपल जो है वह प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त की है, और 97,68,678 लोग जो है सेकेंडरी एजुकेशन है एजुकेटेड है, और 68,37,954 पीपल लोग जो है हैव हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्राप्त की है, एंड 26,84,536 पीपल आर लिटरेचर इतने लोग साहित्य पढ़े हुए हैं, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन इज 698,781 द फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, तो इसमें जो है प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन हायर एजुकेशन लिटरेचर एजुकेशन जो साहित्य से है, और जो बच्चे एडमिशन लेने की उम्र से अभी कम है उनकी ये पूरा जोड़ देंगे तो उस जो है क्षेत्र की जो है आपको टोटल पॉपुलेशन जनसंख्या मालूम हो जाएगी। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन ए पार्टिकुलर ईयर ए कंपनी प्रोड्यूस इतना नंबर ऑफ साइकिल, मतलब कि कुछ नंबर दिए गए हैं सर बाइसिकल के, नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस वाज इतना मोर देन द प्रोड्यूस इन द प्रीसेडिंग ईयर, मतलब कि प्रथम वर्ष से इतना जो अधिक बनाती है, पहले वर्ष कितना बनाई है वो बनाई तीसरे पहले वर्ष जो है आपका 87,65,435 बाइसिकल, नेक्स्ट ईयर जो अगले साल बनाती है द नंबर ऑफ बाइसिकल और प्रोड्यूस वाज इतना कह रहा है कि 13,78,689 मोर देन द प्रोड्यूस इन प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पिछले साल की अपेक्षा इतना और अधिक बनाती है, तो इस कह रहा कि हाउ मेनी बाइसिकल वेयर प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेकेंड ईयर एंड हाउ मेनी बाइसिकल वेयर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टू ईयर, तो कह रहा कि दूसरे साल वह कितना बनाई, तो दूसरे साल बनाने के लिए क्या करेंगे जो नंबर दिया गया है पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष जो मोर कर दिया उसको आप ऐड कर देंगे तो दूसरे वर्ष में बने हुए साइकिल की संख्या मिल जाएगी, और दोनों साल मिला कितना जो आप ऐड किए हैं उसको और जो पहले साल जो है उसको दोनों को ऐड कर देते हैं आप, तो दोनों साल में कुल कितनी बाइसिकल बनाई गई आपको ये पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द सेल रिपीट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग ए ईयर वाज, कह रहा है कि आपका ₹2,09,56,480 कह रहा है द सेल रिसिप्ट ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी की जो सेल है वह ड्यूरिंग ए ईयर एक वर्ष के दौरान वह 2,09,56,480 है, नेक्स्ट ईयर इज इनक्रीज दूसरे साल जो है वह सेल क्या होती है बढ़ा दी जाती है, कितना बढ़ाई जाती है 6,70,000 आपका हुआ है जो है 6,70,95,070 वाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस टू ईयर,
तो दोनों वर्ष में मिला करके जो है वह कितना जो है सेल करती है ऐड कर देंगे, क्वेश्चन आसानी से आपका लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज इतना, यानी आप एक शहर की जो टोटल कुल जनसंख्या है वह आपकी है 22,87,56,304। इफ द नंबर ऑफ मेल इज कह रहा है कि 1,69,87,059 तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी, मतलब एक शहर की कुल जनसंख्या आपने दिया जो पहले बताया गया नंबर्स और उसमें मेल का नंबर्स दिया गया, तो फीमेल का क्या करना है, टोटल जनसंख्या में से मेल का नंबर्स आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अंतर निकाल लेंगे, जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो जो नंबर्स डिफरेंस में आएगा वो नंबर सब क्या होगा, वह नंबर साफ फीमेल होगा, मतलब महिलाओं की संख्या। कह रहा है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भाई हाउ मच इज इतना लार्जर देन, एक नंबर दिया हुआ कि वो किससे कितना अधिक है, तो अधिक वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे तो पता चल जाएगा वो कितना अधिक है। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई हाउ मच इतना स्मॉलर देन 1 करोड़, या जो है 1 करोड़ से कितना छोटा है, तो 1 करोड़ लिखिएगा और 1 करोड़ में से आप जो है इतना नंबर दिया है, ये दिया है आपका 56,43,879, तो इस उसको 1 करोड़ में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कितना छोटा है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, इस संख्या में से क्या घटाएं कि इसमें से टू गेट इतना आपको उतना प्राप्त होता है, कि हम इस 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि अगर 5 मिल जाए, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है जिसमें डिफरेंस कितना है 5 है, तो आपका नंबर कितना हो गया 7, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 5 आ जाए, तो आप 7-5 पहले करिए तो क्या मिलेगा आपको 2, अर्थात 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। उसी तरह से नंबर जो दिया गया है आप इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे, इसमें कह रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, कौन सी नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करके फ्रॉम इतना टू गेट इतना उसमें से इतना प्राप्त होता है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इतना, दो संख्या मानने कोई नंबर दे देगी, दो संख्याओं का योग कितना है 15 है, कोई दो संख्याएं है टू नंबर्स है उसे आप ऐड कर रहे हैं तो 15 मिल रहा है, तो इफ वन आप इतना नंबर दे तो व्हाट इज द अदर नंबर, इफ वन इनमें से एक जो है 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या आप लोग क्या करेंगे इसमें से 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 बचेगा, अर्थात 7 में 8 ऐड कर गया तो आपको 15 मिला है। ठीक, इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13, ए मैन हैड, एक आदमी जो है अ मैन हैड 2 करोड़ विद हिम, मतलब वो क्या करता है 2 करोड़ कमाता है, उसके पास 2 करोड़ रुपीज है, कह रहा है कि ही स्पेंड वह खर्च कर देता है 1,36,07,085 रुपीज ऑफ बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग, वह एक स्कूल बिल्डिंग को खरीदने में 1,36,07,085 रुपए खर्च कर देता है, तो कह रहा है कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, अब उसके पास कितना रुपया शेष बचता है, तो आप उसके पास कितना था 2 करोड़ था और वह 1,36,00,000 कुछ रुपए का करता है खर्च कर देता है स्कूल की बिल्डिंग खरीदने के लिए, तो 2 करोड़ में से आप अपना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो डिफरेंस आएगा वह जो उसके पास शेष रुपया बचेगा। उसके बाद आप जो है क्वेश्चन नंबर 40 लगाएंगे, ए सोसाइटी नीडेड, एक सोसाइटी को एक संस्था को आवश्यकता है कितने रुपए की, कह रहा है कि 1,85,36,000 टू बाई ए प्रॉपर्टी, किसी एक संपत्ति को खरीदने के लिए संस्था को आवश्यकता है 1,85,36,000 रुपए की, तो कह रहा है कि इफ कलेक्ट 72,53,840 एज मेंबरशिप, वह मेंबरशिप से इतना जो कलेक्ट कर लेती है और टू के लोन और 56,75,450 रुपीज जो है बैंक से लोन ले लेती है और कलेक्ट डोनेशन और 29,37,680 रुपीज जो है
कलेक्शन कर लेते हैं, सारी डोनेशन प्राप्त कर लेता है, तो हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, मतलब कि सोसाइटी के पास कितना रुपया कम पड़ रहा है, तो टोटल मनी जो दिया है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। किसको किसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले आप ऐड करेंगे जो मेंबरशिप के द्वारा रुपया कर दिया गया है, उसके बाद जो बैंक से लोन लिया गया है, उसका जो डोनेशन मिला है, तीनों को ऐड करके टोटल मनी से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो शेष पैसा बचेगा वही मनी आपकी जो होगी कम पड़ रही होगी उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए मेंबरशिप में। ठीक, अगला सोसाइटी को, अगला जो है क्वेश्चन है कि ए मैन हैड 1,62,540 विथ हिम, उसके पास कितना रुपया था, ही करा कि ही गेव हुआ दे दिया, ही गेव हुआ दे दिया 48,36,980 टू हिज वाइफ, हुआ उसने से 48,36,980 रुपीज अपने पत्नी को दे दिया और 39,64,790 रुपीज टू सन अपने पुत्र को दे दिया एंड द रेस्ट टू हिज डॉटर, और शेष पैसा अपने पुत्री को दे दिया, यानी बचा हुआ पैसा अपने पुत्री को दे दिया था। हाउ मच मनी वाज रिसीव्ड बाय द डॉटर, तो उसके पुत्री द्वारा उसको कितना रुपया प्राप्त हुआ, तो आप क्या करेंगे टोटल मनी में से जो मनी उसने अपने पत्नी को और अपने बेटे को दिया उसको ऐड करके टोटल मनी में से, टोटल रुपया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो शेष बचेगा वह होगा उसके पुत्री द्वारा प्राप्त गया पैसा। इस तरह से इस एक्सरसाइज में कुल 30 क्वेश्चन है जिसमें से मैंने आपको 15 क्वेश्चन आपको मैंने बताया, 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा और जो क्वेश्चन ना आए उसको आप फिर अपने जो वेबसाइट बना रही है उस पर भेज दीजिएगा, उस क्वेश्चन को आपको दोबारा ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करा दिया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। एक बात कह रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको जो भी साइट पढ़ाई जा रही है ध्यान से पढ़िए, घर पर उसका नोट्स तैयार कीजिए और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको आप ध्यानपूर्वक पूछिए कि सर अब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको आपने साल पर बताइए तो क्वेश्चन आपको आप ब्लैक बोर्ड पर साल करके बताया जाएगा कि आपकी उसकी समस्या क्या है ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ध्यान से इसको पढ़िए और जो ना आए उस क्वेश्चन को पूछिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।